सेल्फ डिफेंस के लिए कई तरीके लोग आजमाते हैं, लेकिन सबसे बेहतर और कारगर तरीका माना जाता है मार्शल आर्ट्स को। मार्शल आर्ट्स के तहत आते हैं ताइक्वांडो, कराटे, कुंग फू आदि। हालांकि ये विदेश से आए हैं, लेकिन भारत में ये काफी लोकप्रिय हैं। आज हम बात करेंगे इसी तरह के तमाम चीजों की ट्रेनिंग देने वाले जमशेदपुर के एक नामचीन इंस्टीट्यूट की, जहां कई सालों से बच्चे और युवा ट्रेनिंग लेते हैं। नाम है झारखंड मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर। झारखंड मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर भारत सरकार के MSME मिनिस्ट्री और झारखंड सरकार के शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1953 के अंतर्गत निबंधित और फिजिकल फिटनेस लाइफ टाइम मार्शल आर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में एफिलेटेड है, जहां ताइक्वांडो, कराटे, कुंग फू, किक बॉक्सिंग, MMA आदि की ट्रेनिंग दी जाती है। झारखंड मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर में विशेष रूप से महिला सुरक्षा और लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस के अलावे योगा, फिटनेस ट्रेनिंग और वजन कम करने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। झारखंड मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का मुख्य कार्यालय टेलको में कामधेनु अपार्टमेंट के नज़दीक प्रकाश नगर में स्थित है, और जमशेदपुर के कई स्कूलों में योग्य और अनुभवी ट्रेनर्स द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। स्कूल हैं विद्या भारती चिन्मया विद्यालय, हिल टॉप स्कूल, JH तारापुर स्कूल, वैली व्यू स्कूल, कस्तूरबा गांधी विद्यालय और कई सरकारी विद्यालय। झारखंड मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर के कई ब्रांचेस हैं, जैसे टेलको रिक्रिएशन क्लब, समीक्षा एकेडमी, राम मंदिर गोविंदपुर ब्रांच, नरवा पहाड़ कम्युनिटी सेंटर, विजय गार्डन, हुडको ब्रांच, साक्ची, आदित्यपुर, मानगो और बारीडी में। यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके बारे में सेंटर की सीनियर ट्रेनर शिल्पी दास बताती हैं। मेरा फर्स्ट यहाँ पे आना स्टार्ट हुआ मेरा बेटा और बेटी के थ्रू। मेरा बेटा बेटी सर के पास ताइक्वांडो सीखते थे हिल टॉप स्कूल में, बेटी को तो टेलको रिक्रिएशन क्लब में एडमिशन कराए थे। तो उसके बाद से मैंने स्टार्ट किया, 2016 समर कैंप से ही मैंने स्टार्टिंग किया है। और आज अगर मैं ब्लैक बेल्ट थर्ड डन हूँ तो पूरा श्रेय जाता है मेरा कोच सुनील कुमार प्रसाद जी को, क्योंकि मेरे घर से मुझे सपोर्ट नहीं मिला। मैं सब हर समय बोलती हूँ, अभी भी बोल रही हूँ, क्योंकि शुरुआत में मुझे घर से सपोर्ट नहीं मिला तो सर ने पूरा सपोर्ट किया, बैक सपोर्ट पूरा। सर खड़ा हुए थे, मुझे बोले थे आप आगे करिए, पीछे का चिंता मत करिए, क्या होगा क्या नहीं होगा आपको करना है, पैसा का चिंता मत करिए, अगर आपके पीछे करना होगा मैं पूरा करूंगी, लेकिन आपको तैयार होना है। तो आज अगर मैं ये टी शर्ट, ये ड्रेस, ताइक्वांडो ड्रेस अगर ये ब्लैक बेल्ट बांधी हूँ तो पूरा बदौलत सर का है, और पीछे जो मेरा टीम खड़ा है तो उन लोगों का भी बहुत सपोर्ट रहा। मैं नेशनल, इंटरनेशनल, बैंकॉक, थाईलैंड में भी जाके खेल चुकी हूँ, मेरा थर्ड पोजीशन था वहाँ पे। और अभी मैं धतकी DJS तारापुर स्कूल में ताइक्वांडो बेल्ट सेल्फ डिफेंस क्लासेस करवाती हूँ। बेसिकली लड़कियों लोगों को जो गवर्नमेंट स्कूल में जाके सिखाती हूँ तो सेल्फ डिफेंस सिखाती हूँ, क्योंकि आज के दिन में लड़कियों को या महिलाओं को कहीं भी जगह अकेले जाना पड़ेगा तो अपना प्रोटेक्ट वो कैसे करेगा, अगर खुद अपना प्रोटेक्ट करेगा तो आगे जाके सबका प्रोटेक्ट कर पाएगा। अभी भी मैं ट्रेनिंग भी करती हूँ सर के पास, क्योंकि सीखने का कोई उम्र नहीं होता है। जब तक रहूँगी जमशेदपुर में तो रहूँगी, क्योंकि शादी हुआ है तो यहीं रहना है, मौत आने तक यहाँ पे क्लास करूँगी। मेरा पीछे जो टीम करा है साथ तो कभी नहीं छोड़ूंगी। ये झारखंड मार्शल आर्ट ट्रेनिंग सेंटर का जो एक एकता है ना सब सीनियर के बीच में, वो बहुत अच्छा बॉन्डिंग है जो पूरा जमशेदपुर में शायद किसी के पास नहीं मिलेगा। झारखंड मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर में पिछले 11 सालों से ट्रेनिंग ले रहे एक युवा, जिन्हें इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस बल में जॉब मिली है, कहते हैं, मैं झारखंड मार्शल आर्ट ट्रेनिंग सेंटर में 10-11 साल से यहाँ ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और सर के एक अच्छा प्रशिक्षण देने के कारण मैं आज भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में जॉब कर रहा हूँ। मैं अभी ट्रेनिंग पीरियड में हूँ, अभी मैं छुट्टी में यहाँ आया हूँ, और यहाँ समर कैंप में मुझे आने का अवसर मिला। काफ़ी बार नेशनल में मेरा मेडल आया है, वुशू में मेरा ब्रॉन्ज मेडल है। जब से मैं यहाँ ट्रेनिंग कर रहा हूँ 10 साल में, सर ने काफ़ी अच्छा ट्रेनिंग दिया, जिस कारण मैं एक अच्छा एथलीट बन पाया, और सर के ही बदौलत मैं आज एक अच्छा जगह जॉब कर रहा हूँ। झारखंड मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर हर साल बच्चों के लिए समर कैंप आयोजित करता है। इस बार भी मई जून में शहर के कई इलाकों में आयोजित समर कैंप्स में बड़ी तादाद में बच्चों ने हिस्सा लिया। इस बारे में बच्चे क्या कहते हैं, आइए जानें।
मैं समर कैंप में आई हूँ, मुझे समर कैंप अच्छा लगा। अभी तक मैं बहुत कुछ सीख चुकी हूँ, जैसे कि टाइकोंडो, मार्शल आर्ट्स, और यहाँ पर ड्राइंग, रेसिंग यहाँ पर, और डांस, योगा, ये सब अभी सीखी हूँ। अब मैं और कल और मज़ा आएगा, क्योंकि कल और ट्रैकिंग है। यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और आगे भी हम करना चाहते हैं मार्शल आर्ट ज्वाइन। सर बहुत अच्छा है, कोच हमेशा हम लोग को मोटिवेट करते रहते हैं। मेरा नाम प्रभु सिंह है, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आने में, बहुत कुछ सीखे हम लोग। समर कैंप के बारे में बच्चों के कुछ पेरेंट्स ने कहा, ये बहुत अच्छा ट्रेनिंग करवा रहे हैं, समर कैंप बहुत अच्छा करवा रहे हैं, अभी और बच्चे लोग को भी इंटरेस्टेड होना चाहिए इसमें ज्वाइन करने के लिए। इनका क्लासेस वगैरह बहुत अच्छा है, ये मार्शल आर्ट भी करवाते हैं, इसमें भी एडमिशन लेना चाहिए। मेरा बेटा वेदांत है, वेदांत वर्मा, वो अच्छा इन्जॉय कर रहा है। अर्ली मॉर्निंग अपने उठ जाता है, बोलता है पापा चलिए समर कैंप चलना है, इतना इन्जॉय कर रहा है वो। और 15 से ज्वाइन किया है, अभी तक बहुत इम्प्रूवमेंट है उसमें। ये समर कैंप बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है। जो एक मतलब सुबह मेरी बेटी उठती है, लेट उठती थी स्कूल के लिए, स्कूल छुट्टी हो गया तो लेट उठती थी, तो समर कैंप के चलते वो 6:30 से ही, मतलब उसको अपने ऊपर डिपेंड हो गया कि हमको उठना है। उससे बच्चों के लिए बहुत बेनिफिट है, उससे एक्सरसाइज भी हो रहा है, जुम्बा भी हो रहा है, ड्राइंग क्लास, सब योगा, सब कुछ, मतलब मार्शल आर्ट सब कुछ सिखाया जा रहा है। और बच्चों का हेल्थ के लिए भी अच्छा है, माइंड भी फ्रेश हो रहा है, और बच्चों का मतलब इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है उस सब चीज़ में। बहुत अच्छा लगा इसके बारे में, मतलब सर जो करवा रहे हैं इसके लिए, बहुत अच्छा लगा इस सब के लिए। हमारा बेटा LFS स्कूल का स्टूडेंट है, अभी समर कैंप लगा तो सर लोगों के यहाँ पर हम लोग अटेंड करवा रहे हैं बच्चे को। बहुत ही देख रहे हैं कि बढ़िया प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करा रहे हैं बच्चों के लिए, और देख रहे हैं कि इतना अच्छा से लोग रनिंग करवा रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं, जुम्बा, योगा, हर तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करा रहे हैं बच्चों के लिए। खाने के लिए गिफ्ट्स भी अट्रैक्ट कर रहे हैं बच्चों के, डेली सुबह उठ के बच्चों को आना है। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है सर लोगों की तरफ से। झारखंड मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर में 3 साल से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति, महिला या पुरुष, अपनी च्वाइस के अनुरूप कोई भी ट्रेनिंग ले सकता है। इस बारे में बताते हैं झारखंड मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर के हेड कोच सुनील कुमार प्रसाद। आज के युग को देखते हुए सबसे ज़्यादा हमारा मेन फोकस इम्पॉर्टेंट महिलाओं और लड़कियों को सेल्फ डिफेंस आत्मरक्षा के लिए हम लोग स्पेशल ट्रेनिंग कैंप लगाए हैं, जो लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रहे हैं। उसके लिए हम लोग बाहर से टीचर्स भी हायर करके बुलाते हैं, टीचर्स आते हैं नए नए टेक्निक्स, और बच्चों को इंजॉय के लिए, बच्चे 2 साल से घर पर बैठे हुए हैं, उसके लिए हम लोग नए नए ड्राइंग, जुम्मा, डांस, ट्रैकिंग, हम लोग योगा और बहुत ऐसे ऐसे एक्टिविटी बच्चों के लिए हम लोग करवा रहे हैं, जो काफ़ी अच्छा है। अच्छा हमारा रिस्पॉन्स मिल रही है, और सबसे ज़्यादा हमारा क्लब का काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, जो टाटा मोटर्स की क्लब, टेलको रिग्रेशन क्लब और हमारी पूरी टीम काफ़ी हमारे साथ टीम वर्क करके मेहनत कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो नए बच्चे हैं, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, जमशेदपुर में हमारा एक समर कैंप है, जो हम लोग बिल्कुल एक निःशुल्क कराते हैं लड़कियों के लिए। जो गवर्नमेंट स्कूल की लड़कियाँ आती है या अदर कोई भी महिलाएँ आती हैं, उनके लिए हम लोग एक रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री की है। बस नॉर्मली एक हम लोग 50 रुपीज़ एक उनके नॉर्मली एक चार्जेस ले रहे हैं, जो उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाए। और नए लोग को ये मैसेज देना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आके ज्वाइन करें, क्योंकि हमारा समर कैंप हम लोग हर साल करवाते हैं, 2 साल करवा नहीं पाए। इसके पहले हम लोग वुमेंस डे में भी एक समर कैंप करवाए थे लड़कियों और महिलाओं के लिए। और हमारा ट्रेनिंग सेंटर जमशेदपुर के तमाम जगह चलता है, जैसे भी जहाँ भी आप देखेंगे, जैसे बिष्टुपुर में GS तारापुर स्कूल, SS अकेडमी डिमना, टाइगर सोडरदीम हो गया, चिन्मय विद्यालय, हिल टॉप विवेक विद्यालय, लगभग सारे स्कूल में हमारी क्लासेस चलती है। बस मैं जहाँ पे खड़ा हुआ है, टालको रिकेशन क्लब है, हमारा मेन ब्रांच है। यहाँ पे करीब पर डे कम से कम 70 से 80 बच्चे करते हैं। हमारे नीचे हमारे ट्रेनर भी है, महिला प्रशिक्षक शिल्पी दास है, और भी बहुत सारे सीनियर्स हैं, सबके देख रेख में चलती है। और नरवा पहाड़ में और जादूगढ़ अन्य जगह में क्लासेस चलती है हमारी जमशेदपुर से। बस हमारा ये मैसेज है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ट्रेनिंग सेंटर को सपोर्ट करें। हम लोग काम गवर्नमेंट के अंडरटेकन में भी करते हैं, क्योंकि अभी गवर्नमेंट स्कूल में रानी लक्ष्मीबाई की योजना आई थी, जिसमें करीब हम लोग 13 से 14 स्कूल में ग्रामीण क्षेत्र में जाकर लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाए। हमारी महिला प्रशिक्षक शिल्पी दास के देख रेख में सारी ट्रेनिंग कराई गई, और उसमें बहुत सारी लड़कियाँ भी इंक्लूड थी, शिवानी थी, नितिका थी, मैदी एमरम थी, बहुत सारी हमारी टीम थी। कि हम चाहते हैं कि इस चीज़ को रेगुलर स्कूल में सिखाया जाए, जो घटना हो रही है लड़कियों के साथ वो थोड़ी रुक सके, बस हमारा ये प्रयास है। झारखंड मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर, जहां आप सीख सकते हैं सेल्फ डिफेंस समेत फिटनेस के तमाम तरीके, ताइक्वांडो, कराटे, कुंग-फू, किकबॉक्सिंग, MMA की ट्रेनिंग के लिए शहर का नामचीन ट्रेनिंग सेंटर। झारखंड मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर, प्रकाश नगर, कामधेनु अपार्टमेंट के नजदीक, टेलको, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम, झारखंड।